गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम आज डिस्कस कर रहे हैं टेंथ क्लास का चैप्टर वन चैप्टर नंबर वन जिसका नेम क्या है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है केमिकल रिएक्शन से भी पहले हमें यह देखना है कि केमिकल चेंज हमारे पास क्या होते हैं हमने uh, पिछली क्लासेस में ये रीड किया है कि हमारे पास कुछ चेंज कैसे होते हैं केमिकल चेंज होते हैं तो कुछ हमारे पास फिजिकल चेंज होते हैं तो सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं रीडिंग के साथ डिस्कस करते हैं तो कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन वेन तो क्या होता है जब हमारी जो नीचे हमें कुछ एक कंडीशन गिवन है वो होती है तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर तो मिल्क में क्या होता है जब हम उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर बाहर रखते हैं फ्रिज में नहीं करते रखते या उसका टेम्परेचर लो नहीं करते एनआरएन तवा पेन इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फियर नेक्स्ट क्या है ग्रेप्स गेट फर्मिनेटेड फूड इज कुक्ड फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बोटी एग्जाम्पल है ये सब हमारे पास केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है लेकिन हम इन्हें केमिकल चेंज क्यों बोलते हैं इन ऑल द अबाउट सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल है वो सबस्टांस की आफ्टर सम टाइम वो चेंज हो जाती है वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस हमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पता है तो फिजिकल चेंज हमारे पास कौन से चेंज होते हैं फिजिकल चेंज हमारे पास रिवर्सिबल चेंज होते हैं दैट मीन जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं लेकिन केमिकल चेंज हमारे पास वो चेंज होते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते ये इन होते हैं वेन ए केमिकल चेंज आकर जब कोई केमिकल चेंज होता है तो वी कैन सी दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज बिन टेक प्लेस तो जब हमारे पास कोई कोई केमिकल चेंज होता है तो उसके अंदर हमारे पास क्या होती है एक केमिकल रिएक्शन होती है यू मे प्रहैप्स बी वंडरिंग एज टू वट इज एक्चुअल मेट बाय केमिकल रिएक्शन तो हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंड करना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है हाउ डू वी कैन टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर हमारी केमिकल रिएक्शन है एंड कहाँ पर हमारी फिजिकल रिएक्शन हैजेक लेट एस पर होम सम एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर टू दिज क्वेश्चन तो इसके लिए हम क्या करते हैं एक एक्टिविटी करते हैं उस एक्टिविटी की हेल्प से हम ये जान लेंगे कि हमारे पास केमिकल जो चेंज होते हैं वो क्या होते हैं तो इस एक्टिविटी के लिए हमें नीड है एक मैग्नीशियम रिबन की एक बर्नर की एंड एक वॉच ग्लास की तो सबसे पहले हमें क्या करना है क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट थ्री फोर सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा टेंथ क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है जब हम उसे बर्न करते हैं होल्ड इट विद ए प्योर ऑफ टोंग बर्न इटिंग यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एसिड टू फॉर्म इन ए वॉच ग्लास एज सो इन फिगर तो हमें क्या है ऐसे हमें एक मैग्नीशियम uh, रिबन को बर्न करना है एंड उसके नीचे हमें क्या रखना है एक वॉच ग्लास रखना है जिसके ऊपर उसकी एक्सिज कोलेक्ट हो जाती है बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल यूर आई हमें क्या करना है uh, जितना हो सके हमें मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है तो उसे अपनी आई से दूर रखना है तो वट डू यू ऑब्जर्व तो हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व करते हैं तो यहां से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन है जैसे ही हम उसको बर्न करते हैं कोई भी चीज है हमारी बन कब होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो मैग्नीशियम रिबन यहाँ से क्या करता है ऑक्सीजन को इन्वोरमेंट से लेता है एंड वहां पर रिएक्शन हमारे क्या होती है कि एम जब मेरा रिएक्ट करता है किसके साथ में हीट प्रोवाइड करती हूँ इसे तो मेरा क्या बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है यहाँ पर क्या बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये जो चेंज हुआ है यहाँ पर ये मेरा क्या है यहाँ पर केमिकल चेंज है कि मैं एक प्रो यहाँ पर रिएक्टेंट लेके चली थी ये मेरे क्या है रिएक्टेंट और ये मेरे क्या है प्रोडक्ट तो वहां पर मुझे एक नया सबस्टांस मिला है क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है मैं इसको रिवर्स मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकती इसलिए ये मेरा क्या है ये मेरा केमिकल चेंज है नेक्स्ट हमारा क्या है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ए डार्जिलिंग फ्लेम वाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू ए वाइट पाउडर जब हमने उसको बर्न किया तो एक क्या है एक बहुत ही चमकदार फ्लेम वहां पर प्रोड्यूस होती है जो वाइट कलर का एक पाउडर प्रोड्यूस करती है दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमारा क्या होता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर तो ये रिएक्शन हमारी कैसे होती है कि जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं एंड ऑक्सीजन हमारी क्या होती है इनवायरमेंट में प्रेजेंट होती है इसके बाद है हमारी एक्टिविटी एक्टिविटी टू पॉइंट वन एक्टिविटी टू पॉइंट वन में हमें क्या गिवन है हमें यहाँ पर एक कंपाउंड लेना है किस चीज़ का लेड नाइट्रेट सोल्यूशन का इन्हें टेस्ट ट्यूब में एंड उसमें हमें क्या एडिशन करना है एडिशन करना है पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन का इन दिस तो हम वहां पर ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा वहां पर क्या होता है तो हमें पता है ये भी हमारा क्या है एक केमिकल चेंज ही है जब हम क्या करते हैं लेड नाइट्रेट लेड नाइट्रेट हमारे पास क्या होता है पी बी एन ओ थ्री टू एंड जब ये रिएक्ट करता है मेरा पोटासियम आयोडाइड के साथ तो मेरा ये क्या प्रोड्यूस करता है यहाँ पे मेरा बनता है के एन ओ थ्री यहाँ पे मैं टू मोलिक्यूल लेती हूँ इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एंड मुझे यहाँ पे क्या मिलता है पी बी आई आयोडाइड तो ये भी मेरी क्या है ये भी मेरा एक केमिकल रिएक्शन है जो क्या है जिसको मैं क्या कहती हूँ केमिकल चेंज है इन इन कंपाउंड को मैं दोबारा से यहाँ पर रेड्यूस नहीं कर सकती इसलिए ये मेरे क्या है केमिकल चेंज है सिमिलर मैं एक और रिएक्शन यहाँ पर लेती हूँ जो मेरी क्या है एक्टिविटी वन इसमें हमें क्या करना है टेक ए फ्यू ग्रेनुअल इन ए कोल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब मुझे एक टेस्ट ट्यूब में जिंक के कुछ एक ग्रेनुअल लेने है. उसमें मुझे फिर क्या करना है कि डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इनमें से कोई भी एक है उसके बाद एसिड जो होते हैं उनको मुझे लोट ऑफ केयर के साथ हैंडल करना होता है डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक हम क्या देखते हैं हम जैसे ही उसके अंदर कोई भी एसिड डालते हैं वो हमारा एच भी हो सकता है और हमारा सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है एच भी हो सकता है तो हम उसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं हमें पता है कि जब भी हमारी कोई मेटल है वो रिएक्ट करती है किसके साथ में जब भी हमारी कोई मेटल है वो रिएक्ट करती है किसी एसिड के साथ में तो वो क्या प्रोड्यूस करती है वो हमारी एच टू गैस प्रोड्यूस करती है और साथ में क्या बनाती है एक कंपाउंड बनाती है सोल्ट बनाती है तो जब हमारी बेसिक रिएक्शन क्या है कि कोई भी मेटल जब हमारी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाती है सोल्ट और एच टू गैस को लिबरेट करती है तो अब हमने यहां पर केमिकल चेंज में क्या देखा फ्रॉम द अब थ्री एक्टिविटीज से वी कैन सी दैट एनी ऑफ द फोल्विंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल चेंज टेक प्लेस तो यहां से हमने जो इन रिएक्शंस में इन एक्टिविटी से डिस्कस किया है तो यहां से हम क्या बता सकते हैं कि कब हमारा केमिकल चेंज होता है तो फर्स्ट हमारा क्या है चेंज इन स्टेट कि स्टेट चेंज होती है फिर चेंज इन कलर या तो स्टेट चेंज हो या कलर चेंज हो या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो चेंज इन टेम्परेचर ये सब मेरे किसके अंदर होते हैं केमिकल रिएक्शन के